नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, टिहरी लोकसभा सीट से सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह से की मुलाकात, जन्मदिवस पर दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में बीजेपी की नई टीम तैयार, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की घोषणा, जातीय समीकरणों के साथ महिला युवा चेहरों का प्रतिनिधित्व, तो 8 मंत्री 3 महामंत्री और 8 उपाध्यक्ष को जगह। कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती के मानकों की अनदेखी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लिया संज्ञान, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को कराया मामले से अवगत, तो कांग्रेस ने साधा निशाना। हरिद्वार में निर्मल अखाड़े में धोखाधड़ी का मामला, 4 संतों समेत 5 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, अखाड़े की जमीन बेचने और 50 लाख रुपए के गबन का आरोप। सिड़कुल के खाला टीरा गांव में 2 साल की मासूम बच्ची का गला रेतकर हत्या, गन्ने के खेत से बच्ची का शव बरामद, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के से जांच जारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में टिहरी लोकसभा सीट से सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह से मुलाकात की और उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी, साथ ही उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खबर हल्द्वानी से, जहां एमबी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री नवाचार योजना द्वारा निर्मित धरोहर संग्रहालय का लोकार्पण किया। इस संग्रहालय में उत्तराखंड की संस्कृति, धरोहर, बोली, भाषा, कुमाऊनी त्योहारों को दर्शाया गया है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बताया जा सके, जिसको देखते हुए दृष्टिगत संग्रहालय का निर्माण किया गया है। बच्चों को हर प्रकार का ज्ञान देने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, देश के शिक्षा मंत्री जी ने लिया है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया है। हम लोगों ने अपने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बाल वाटिका से जो है लागू कर दिया है। अब हम सितंबर के महीने में अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में, अपने विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक कंपोनेंट ये भी है कि बच्चों को अपनी धरोहर से याद कराया जाए, और आज MBPG कॉलेज के हमारे प्राचार्य जी के द्वारा, हमारे डायरेक्टर के द्वारा और विशेषकर जो हमारे प्रोफेसर नेगी जी के द्वारा, उन्होंने आज यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है धरोहर के रूप में हमारे प्रदेश में जो भी बहुत ऐतिहासिक महत्व के हमारे संस्थान हैं, हमारे 4 धाम हैं, हमारी वन संपदाएँ हैं, हमारे जो भी राष्ट्रीय धरोहर है, यहाँ पर बच्चों को एक अलग से ज्ञान मिल जाए इस चीज़ का, इसका आज उद्घाटन कराया है और मैं पूरे MBPG कॉलेज के सभी शिक्षकों का अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के पौड़ी स्थित चौबट्टा खाल विधानसभा के विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती के दौरान युवाओं को हो रही व्यवहारिक कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से वार्ता की है और इसकी जांच करने की अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि अग्निवीर भर्ती के दौरान राज्य के 300 युवाओं को एक साथ दौड़ाया जा रहा है और उसमें से भी मात्र 8 या 10 युवाओं को ही चुना जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रक्षा राज्य मंत्री से कहा कि इस प्रक्रिया की संगतियों के चलते उत्तराखंड के बच्चे निराश होकर अपने घर लौट रहे हैं।
उत्तराखंड में अग्निवीर की भर्ती कोटद्वार में हो रही है। 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की भर्ती होगी। मेरे संज्ञान में इसमें कुछ बातें आई हैं, तो आज मैंने दूरभाष से अजय भट्ट जी से बात की, जो राज्य रक्षा मंत्री हैं, और उनको बताया कि मानकों के अनुकूल ये भर्ती होनी चाहिए। और जब बिपिन रावत जी थे तो उन्होंने जो हमारे लड़के थे उनकी हाइट को 163 सेंटीमीटर कर दिया था, परंतु वहाँ पर जो कर्नल हैं वो 170 मीटर ही हाइट को मान रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति लंबा नहीं होता है, तो इसलिए उनको हाइट रिलैक्सेशन दी गई थी। तो मेरा यही आग्रह था राज्य मंत्री जी से कि वो इसको निश्चित रूप में इसकी पूरी जांच कराएं और नियमानुसार भर्ती होनी चाहिए, यही मंत्री जी से आग्रह है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। महेंद्र भट्ट की नई टीम में क्षेत्रीय से में जातीय समीकरणों में संतुलन साधने के लिए महिला युवा चेहरों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। कई कार्यकारिणी के गठन के बाद प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने की खास बातचीत। भाजपा की नई टीम के गठन के बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं मनवीर चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी। आइए जानते हैं कि नई टीम की आवश्यकता क्यों पड़ी इस वक्त भाजपा में, और भाजपा में कुल कितने सदस्यों को, युवा को सम्मिलित किया गया, और कितनी महिलाओं को, और किस प्रकार से आपने इस टीम का गठन किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अभी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केंद्र के हमारे केंद्र के द्वारा उनको नामित किया गया है, मनोनयन का किया गया है। उन्होंने आगामी हमारे चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर के कई प्रकार से विचार विमर्श करने के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने और हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन माननीय अजय जी ने केंद्र नेतृत्व के साथ विचार विमर्श के बाद प्रदेश की नई टीम की घोषणा की है। और इस टीम में जिस प्रकार से युवाओं को स्थान दिया गया है और महिलाओं को विशेष रूप से स्थान दिया गया है, ये हम कह सकते हैं कि ये एक नई ऊर्जा के साथ एक टीम काम करने वाली है, और इससे भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में परचम जीत, अच्छी जीत हम जीतने वाले हैं, ये हमें भरोसा है। सर, जैसा कि कहा गया था कि युवाओं का राज्य है उत्तराखंड, तो क्या उसी ढंग से आपने इस कमेटी में भी 70% से अधिक युवाओं को इसमें आपने तवज्जो दी है, और महिलाओं का भी इसमें खासा योगदान है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी नई टीम जो गठित हुई है इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश हमारा देश भारत है। और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से युवाओं को आगे बढ़ाने के काम किया है, और क्योंकि युवा अगर सही रास्ते पर उसकी ऊर्जा का प्रयोग किया जाए तो देश के भविष्य के निर्माण के लिए युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो नई टीम हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी ने बनाई है उसमें युवाओं को विशेष रूप से स्थान, अधिक से अधिक स्थान दिया गया है, क्योंकि आगे प्रदेश के विकास में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इसी प्रकार से क्योंकि महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जो अभी चुनाव, अभी 2022 के जो चुनाव हुए हमारे देश के अंदर विभिन्न राज्यों में, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाने में रहा है। इसलिए महिलाओं को भी विशेष रूप से अधिक स्थान देने का इसमें प्रयास किया गया इस टीम में। और मुझे विश्वास है इस टीम में जो भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप सदस्य बनाए हैं वो सारे जो है प्रदेश के विकास के लिए और भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए कार्य करने वाले हैं। सर, क्या यह मान लिया जाए कि भाजपा जो नई टीम का गठन की है वो पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव और आने वाला लोकसभा चुनाव के लिए क्या यह टीम गठित की गई है? क्या भाजपा ने अभी से ही चुनाव की रणनीति शुरू कर दी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को लेकर के विशेष रूप से अलग से कोई रणनीति या तैयारी नहीं करती है, लेकिन हम एक राजनीतिक दल के रूप में हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव जो 2024 का है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हम सबके लिए है, क्योंकि ये 2024 का चुनाव देश के भविष्य को तय करेगा। इसको लेकर के हम निश्चित रूप से इसकी तैयारी के लिए सब लोग जुटने वाले हैं, और इसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने जो टीम बनाई है उस टीम को उसको मद्देनजर रखते हुए बनाया है। साथ ही हमारे अभी हरिद्वार में पंचायत चुनाव, हमारे नगर निकाय के प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं, पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों में हम प्रचंड जीत से हम जीतें इसी को लेकर हमारी ये टीम काम करने वाली है। तो हमारे साथ थे मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान। इन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि भाजपा जो है वह युवाओं की पार्टी है, और हमेशा से युवा और महिलाओं को भाजपा अपनी
संगठन में तवज्जो जगह देती है। कैमरा पर्सन आजाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, एवन टीवी देहरादून। कोटद्वार में चल रही अग्निवीर भर्ती के मानकों पर मंत्री सतपाल महाराज की ओर से सवाल उठाए जाने पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महारा का कहना है कि सतपाल महाराज की ओर से कही गई बात बिल्कुल जायज है। उत्तराखंड के लोग राष्ट्रप्रेमी हैं और उन्हें इस योजना के माध्यम से सीमा पर खतरा नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष का व्यक्ति भी इसका विरोध कर रहा होगा, भले ही वह दबी हुई जबान में बोल रहा हो। वहीं सतपाल महाराज की चिंता है। अग्निवीर योजना ने उत्तराखंड का मूड खराब कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है और हर प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति सेना में है। उनका जो सुनहरा सपना रहता है हर बच्चे का, अपने पिता की तरह वर्दी पहनना, अपने पिता की तरह देश की सेवा में जाना, वो सपना टूटा है। चार चार साल, पाँच पाँच साल जो युवा मेहनत करते थे, उनका सपना टूटा है। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने में ठेके से हो रही ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती के खिलाफ उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। हल्द्वानी में यूनियन की बैठक में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया गया है। यूनियन के अध्यक्ष कमल पपने ने कहा कि 2013 में कर्मचारी यूनियन हाईकोर्ट से ठेकेदार से भर्ती नहीं करवाने का केस भी जीता है। बावजूद इसके राज्य सरकार 700 से अधिक ड्राइवर और कंडक्टर के पदों पर ठेकेदार के माध्यम से भर्ती कर रही है, जबकि पहले से 3,500 से अधिक कर्मचारी विशेष श्रेणी और संविदा में परिवहन निगम में कार्यरत हैं। पहले उनको स्थायी नौकरी दी जाए, उसके बाद ही अलग से कोई भर्ती निकलनी चाहिए। वहीं भर्ती निकली जाएगी। वहीं सरकार में ये कहा गया है कि काली पट्टी बांधकर इसका सांकेतिक विरोध किया जाएगा। 1 और 2 सितंबर को पूरे प्रदेश में कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। निगम में जो एजेंसी की प्रथा के माध्यम से भर्ती की जा रही है चालक परिचालकों की, उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। आज कुमाऊं मंडल के लगभग हमने 11 शाखाओं के सभी अध्यक्ष सम्मानित मंत्रियों को बुलाकर आज एक आंदोलन की रणनीति तैयार की है, जिसमें परिवहन निगम में एजेंसी प्रथा का पुरजोर विरोध किया जाएगा। यूनियन की मांग है, जो पूर्व में 2968 आदमी कार्यरत हैं, जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी समान वेतन, समान कार्य और नियमितीकरण के आदेश दिए गए हैं, तो यूनियन की ये मांग है कि न्यायालय के आदेशों का पालन कर पहले जो पूर्व में कार्यरत कर्मचारी उनको नियमित किया जाए, उसके बाद परिवहन निगम में भर्ती की जाए। इसके साथ साथ अगर मैनेजमेंट और निगम प्रबंधक हमारी बातों पर अगर नहीं मानता तो 31 तारीख को जो है सभी कर्मचारी परिवहन निगम के बाहर में काली पट्टी बांध कर कि मैं एजेंसी प्रथा का विरोध करता हूं करके हमारे सभी चालक परिचालक मार्ग पर जाएंगे और ड्यूटी करेंगे। इसके साथ 1 तारीख और 2 तारीख को पूर्ण रूप से हमारा पूरे उत्तराखंड परिवहन निगम में चक्का जाम रहेगा। इसके बावजूद भी अगर मैनेजमेंट हमारी बात नहीं मानता तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो मेरे आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मेरी राज्य सरकार से मांग है कि परिवहन निगम में उत्तराखंड राज्य के कर्मचारियों का उत्पीड़न करना बंद किया जाए, पहले कर्मचारियों को नियमित किया जाए। एलडी पालीवाल, मंडल अध्यक्ष कुमाऊं क्षेत्र। ये हमारा उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन का पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है। इसमें हम एजेंसी प्रथा का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब विगत 2013 से एजेंसी पूरी तरह निगम में प्रतिबंध थी। हम उसमें केस जीते थे हाईकोर्ट के माध्यम से। मेरा आप लोग के माध्यम से मैं राज्य सरकार से और निगम प्रबंधन से यही आशा करता हूं कि इस एजेंसी प्रथा को यहां पर नहीं लाया जाए उत्तराखंड परिवहन निगम में। निगम प्रबंधन नहीं जीता तो हम 31 तारीख को पहले काली पट्टी लगा के हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और 1-2 तारीख को हम पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार करेंगे। उत्तराखंड के जसपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक चोरी के मामले का खुलासा कर दिया है। दरअसल पूरनपुरा गांव में एक बाइक चोरी हुई थी। पीड़ित के मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी और तत्परता से कार्रवाई करते हुए चोरी की बाइक बरामद कर दी है। वहीं 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से तमंचा और चाकू भी बरामद हुआ है। थाना जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत पूरनपुर गांव में एक बाइक चोरी हो गई थी, जिसके बाद वादी की तहरीर के आधार पर थाना जसपुर पे चोरी का मुकदमा लिख दिया गया था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान कल जब जो हमारे आयु थे दो चाकू बरामद हुए, एक मोबाइल बरामद हुआ है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके आवश्यक खबर हरिद्वार से है, जहां सिडगुल थाना क्षेत्र स्थित खालाटीरा गांव में 2 साल
कि मासूम बच्ची का गला रेतकर हत्या से सनसनी मच गई है। गांव से थोड़ी ही दूर पर गन्ने के खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ है। खेत मालिक ने ही पुलिस को इसके गन्ने के खेत में बच्ची का शव पड़ा होने की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही सिडगुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में कर उसकी शिनाख्त कराने का प्रयास किया। इस दौरान हरिद्वार पुलिस कप्तान योगेंद्र सिंह रावत और एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने भी घटनास्थल पर जाकर जानकारी ली। फिलहाल बच्ची की शिनाख्त नहीं हो पाई है, इसलिए पहचान के लिए उसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखा जा रहा है और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। दो साल की बच्ची है, उसकी डेड बॉडी मिली है, इसके गले पे कट का निशान भी है। बॉडी को शिनाख्त के लिए रख दिया गया है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे और जो चश्मदीद हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, जल्द ही इसका खुलासा भी करें। खेत में मिली है और जो खेत का मालिक है उसने ही देखा था कि बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है और उसकी सूचना पे फिर हम लोग वहाँ पे गए थे। मौके पे जाके इसको तस्दीक किए सारी चीज़ों को, फिर बच्ची की बॉडी को शिनाख्त के लिए रखें। उसमें केवल और केवल उसका गला काटा गया, मर्डर है और इस तरह की कोई घटना नहीं प्रतीत हो रही है, बाकी पीएम के लिए रखा गया। चार दिवसीय 33वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट सीनियर मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप का केंद्रीय राज्य रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने शुभारंभ किया। चार दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में देश भर से 27 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं, लेकिन इस दौरान प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को नाव पलट गई और मौजूदा एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें रेस्क्यू कर खिलाड़ियों की जान बचाई, जो कि ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बुंदू खत्ता स्थित खैरानी विकासपुरी गांव में बोलेरो चोरी होने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 36 घंटे में चोरी का खुलासा किया और बोलेरो गाड़ी को बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि विकासपुरी निवासी मदन राम आर्य ने लालकुआ कोतवाली में मामला दर्ज करवाया था कि उसकी बोलेरो 20 अगस्त की रात्रि में घर के आगे खड़ी थी, जिसको अज्ञात चोर चुरा कर ले गए थे। इवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इवन टीवी।